Hello everyone, welcome to my channel. I'm back with another video. So today topic is noun. Okay, ये English का topic है, तो मैं इस channel पर मैं English भी पढ़ाऊँगा. तो basically हम noun से start करते हैं आज. So बहुत easy topic है, but I have to cover, तो मैं इस video कर रहा हूँ. Noun is the name of any person, place, thing, and animal. ठीक, noun क्या होता है? किसी भी place का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी थिंग का नेम और किसी भी एनिमल का नेम. ठीक, अगर कोई हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, अगर किसी उसमें किसी पर्सन का नाम आता है, ठीक, और किसी प्लेस का नाम आता है, किसी थिंग का नाम आता है, ठीक, और किसी एनिमल का नाम आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा दोस्तों? इट शुड बी अ नाउन. ओके, अगर हम कोई बोले जैसे राज इज प्लेइंग अ फुटबॉल. ठीक, पहला हमारा सेंटेंस है राज इज प्लेइंग अ फुटबॉल. ठीक, तो यहाँ पर नाउन क्या होगा? राज. क्यों? क्योंकि राज एक पर्सन का नेम है, तो इसमें आपका जो नाउन होगा वो क्या होगा? राज. क्यों होगा? क्योंकि राज एक पर्सन का नाम है. ठीक, इसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा. ठीक, इसमें जो आपका नाउन होगा वो ताजमहल. क्यों? क्योंकि ताजमहल एक जगह का नाम है. ठीक, जैसा कि डेफिनेशन कह रही है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल. ठीक, वो पर्सन का नेम भी हो सकता है, वो प्लेस का नेम भी हो सकता है, वो थिंग का नेम भी हो सकता है और एनिमल का नेम भी हो सकता है. तो ताजमहल भी नाउन है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस. ठीक, एंड ऑल्सो द आगरा इज ऑल्सो नाउन, बिकॉज आगरा क्या है? एक प्लेस है. ठीक, तो यहाँ पर दो नाउन होंगी, आगरा भी नाउन होगा और ताजमहल भी नाउन होगा. ठीक, अब चलिए आते हैं हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन पर. ठीक, This chain is made from gold. ठीक, इसमें क्या होगा आपके हिसाब से बताइए? This chain is made from gold. इसमें देखिए, पहला तो noun ये होगा कि chain, क्योंकि chain क्या है? Thing. और किसी अगर thing का name भी है तो chain क्या है? किस चीज़ का नाम है? ठीक, duster है, pencil है, rubber है, ये सब क्या है? चीज़ों के नाम है. अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो भी noun होगा, उसको भी हम noun consider करेंगे. ठीक, इसी तरह से इसमें एक दूसरी भी noun है, इट इज मेड फ्रॉम गोल्ड. तो गोल्ड भी किसी चीज़ का नाम है, कोई चीज़ है ना, कोई थिंग है. तो इसमें भी दो नाउन होंगी, गोल्ड चेन एज वेल एज गोल्ड. ठीक, दो इसमें नाउन होंगी. अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर. चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल. ओके, तो इसमें देखिए नाउन जो होगा वो होगा चीता. क्यों? क्योंकि ये किसी एनिमल का नेम है. ठीक है, अगर क्योंकि ये एनिमल का नेम है चीता, तो ये क्या होगा? नाउन होगा. ठीक, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, एक बार मैं फिर रिमाइंड कर देता हूँ आप लोग को. अगर किसी भी पर्सन का नेम है, किसी सेंटेंस में पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है, किसी थिंग का नेम है एंड और एनिमल का नेम है, तो वो क्या होगा? सेंटेंस होगा. ठीक है, वो किसी भी फेमस पर्सन का नाम हो सकता है. ठीक है, जैसे राम हो गया, राज हो गया, किसी का भी अगर नाम है, ये मैटर नहीं करता वो फेमस है या फेमस नहीं है. ठीक, तो अगर वो किसी का नाम है तो वो क्या होगा? नाउन होगा. ठीक, इसी तरह से किसी प्लेस का नाम है, जैसे ग्राउंड हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, स्कूल हो गया, जू हो गया, ये तो किसी प्लेस के नाम है, तो ये भी क्या होंगे? आपके नाउन होंगे. इसी तरह से भी किसी चीज़ का नाम, जैसे डस्टर हो गया, बॉक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, दिस इज़ मेड फ्रॉम प्लास्टिक, पेन, बॉटल, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन नाउन. और किसी भी एनिमल का नाम हो जाए, वो वाटर एनिमल भी हो सकता है, जैसे रेल हो सकता है. ठीक, रेल है, शार्क हो गया, और वो इट इज ऑल्सो शुड बी अ बर्ड, ऑस्ट्रिच हो सकता है, अगर किसी एनिमल का नेम और बर्ड का नेम और किसी एक्वाटिक एनिमल का है, तो वो भी क्या होगा? नाउन होगा. ठीक, तो आई होप आपको नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ईजी से था. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन. ठीक, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय.